तो स्वागत है दोस्तों फिर से हमारे चैनल को पे एक नई वीडियो साज का। आज हम आपसे बात करेंगे पिछले साल रिलीज हुई डंकी, जो कि एक वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है। इस फिल्म के डायरेक्टर थे राजकुमार हिरानी और एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो कि शाहरुख खान की 2023 की तीसरी फिल्म थी। और इस फिल्म को लगभग 135 करोड़ की लागत में बनाया गया था। इस फिल्म को प्रोड्यूसर थी गौरी खान और ज्योति देश पांडे। आपको बता दें आज इस फिल्म को लगभग 34 दिन कम्प्लीट हो चुके हैं और इस फिल्म के जो कलेक्शन है अभी भी कुछ शहरों में बहुत अच्छी चल रही है। आपको बता दें इस फिल्म में आपको देखने को मिले थे शाहरुख खान, तापसी पन्नू, विक्की कौशल, भूमन ईरानी, विक्रम कौचकल इस फिल्म के अंदर आपको अहम किरदार में देखने को मिले थे। इस फिल्म के अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात कर ले तो आपको बता दें इस फिल्म ने पहले दिन 29 करोड़ 30 लाख रुपये का नेट इंडिया से कलेक्शन किया था। तो फिल्म का वर्ल्ड वाइड पर कलेक्शन लगभग 58 करोड़ रुपये का था। वही फिल्म ने अपने जो 31वें दिन जो फिल्म के कलेक्शन थे वो लगभग 18 लाख रुपये थे। वही 32वें दिन फिल्म ने लगभग 15 लाख रुपये कमाए और 33वें दिन फिल्म ने 20 लाख रुपये और 34वें दिन यानी फिल्म जो कमाई वो लगभग 8 लाख रुपये कमाई की है। और फिल्म के अभी तक के जो टोटल बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन है फाइनल वो लगभग हो चुके 235 करोड़ 45 लाख रुपए का। फिल्म का जो ग्रॉस कलेक्शन लोअर लगभग हो चुका 289 करोड़ 55 लाख रुपए। फिल्म ने ओवरसीज से लगभग 193 करोड़ 60 लाख रुपए कमा लिए। फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड पे कलेक्शन है वो लगभग 472 करोड़ 65 लाख रुपए हो चुका है। वही फिल्म की अगर बजट की बात करें, फिल्म का बजट जो कि 135 करोड़ रुपए है, फिल्म ने अपने बजट से 3 गुना अधिक कमाई करके ये वन ऑफ द बेस्ट 2023 की फिल्म बन चुकी है। वही आपने अभी तक डंकी फिल्म देखी कि नहीं, कमेंट करके बताएं। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने। धन्यवाद।